का दिन नजदीक आता जा रहा है, मार्केटों में खरीदारों का रश भी बढ़ रहा है। दुकानों और स्टालों पर रखी अशिया की कीमतें पूछकर यूं लगता है जैसे महंगाई का जिन बेकाबू होकर बोतल से बाहर आ गया हो, और इसके चेले नाजायज मुनाफाखोरी और चोर बाजारी से अवाम का बचा कुचा खून निचोड़ने में मसरूफ हों। कीमतों में इस होशरबा इजाफे से गरीब तो गरीब, दरमियाने तबके की ईद की खुशियां भी मांद पड़ गई हैं। लोग आंखों में ख्वाब सजाए बाजारों का रुख तो जरूर करते हैं, लेकिन कीमत पूछते ही यूं शर्मशार हो जाते हैं जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया है। मुझे लगता है ईद तो दूर की बात है, हमारे लिए खाना खाना बहुत मुश्किल हो गए। ठीक है, आजकल जो हालात देखें मार्केट में, देखें आपके सामने मार्केट, आपके सामने बिल्कुल खाली की खाली पड़ी है। ठीक है, कोई लोग सारी जो चीजें लेना थे वो देख के सारे वापस चले जाते हैं। मर्द हजरात तो अपनी हसरतों पर जबर कर ही लेते हैं, लेकिन महंगाई के बायस औरतों ने भी सादा ईद मनाने पर इक्तफा कर लिया है। अमर की सेल्स होती है उसमें ले लेते हैं कपड़े वक्त से कहीं पहले, रमजान का वेट नहीं करते हैं तो पहले ही बना लेते हैं। दुकानदार ईद का सामान सजाए दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते हैं। अगर भूले बिसरे से कोई खरीदार उनके पास आ भी जाए तो उनके बकौल चीज मन पसंद कीमत पर ले जाता है। बच्चे हैं जिनके 5-6, वो हमें खुद तरस आता है। वो बच्चिया कहती है अम्मी ले दो मेरी फ्राक के साथ की ये चूड़ी ले दो, वो ज्वेलरी ले दो, तो उनकी माई नहीं ना बेचारी अफोर्ड कर सकती, तो हमें भी तरस आता है। हम भी कहते हैं कम से कम मुनाफे पे इन्हें दे दीजिए जाए, क्योंकि हम भी बच्चों वाले हैं। पाकिस्तान दुनिया भर से इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि बाकी मुल्कों में मजहबी त्योहार आते ही अशियाए जरूरत और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी कर दी जाती है, लेकिन यहाँ मामला इसके बरक्स है। जो जो ईद करीब आ रही है बाजारों में रौनकें भी बढ़ रही हैं, लेकिन अशियाए जरूरत की कीमतों में इजाफे के बायस कम आमदनी वाले तबके को शायद ईद की वो खुशियाँ मुयसर ना आ सके जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं। कैमरामैन उस्मान इजाज के साथ इरफान खान, वक्त न्यूज़, इस्लामाबाद।